हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक सर, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कॉन्टेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? MP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, UP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। लेंज लॉ का जिक्र इसके पिछले वीडियोस के अंदर भी कई दफा हो चुका है। लेंज लॉ बहुत शानदार चीज है भाई, पूरी फीलिंग वाली चीज है, ठीक है। तो बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके पहले स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो भाई क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या फिर इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है, विच मींस दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस पूरी कहानी का, पूरे पहले बुलेट पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या निकल करके आने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर के आता हूं किसके ऊपर, फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर, ठीक है। क्या आप लोग जानते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? क्या आप सब लोग वाकिफ हैं कि व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है भाई। EMI का सबसे जानदार स्टेटमेंट जो है ना वो है फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। देखो होता क्या था ना कि हम लोग प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर में इस बात को फिगर आउट कर चुके हैं कि अगर किसी वायर में करंट है तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब एक सवाल आया कि यार जब किसी करंट की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस नहीं, इंड्यूस कर सके, ठीक है। प्रोड्यूस क्यों नहीं? बिकॉज करंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, एक पावर सोर्स होना चाहिए, एक बैटरी वगैरह होनी चाहिए। तो वो पूरा तामझाम जब होगा ना तब जाकर के वो करंट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन बिना उन सब चीजों के अगर करंट आ रहा है सर्किट में तो इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। क्या आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया? यह सब पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपसे जरा गौर करते हुए चलेगा भाई। फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि हाँ ये बात सही है, आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट को इंड्यूस कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस अपने पास एक कॉइल है जहाँ करंट चाहिए, इसके पास में बस एक मैग्नेट को ला करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ रख दिया तुमने तो करंट इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर ऐसा होता है कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो इस कॉइल के साथ में एसोसिएटेड है, अगर इस फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तब जा करके एक करंट इंड्यूस होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होता है वो ये होता है कि whenever द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी गिवन सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करके निकल रही है ना, उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहा जाता है गिन करके मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर जैसे मान ले कि मेरे पास एक गिवन सरफेस एरिया, ठीक है, नाउ मेरे पास एक ये मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट को मैं पास लेकर के आऊंगा ना तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर इस गिवन सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करके निकल जाएंगी, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब मैं इस मैग्नेट को पास में लेकर के आऊंगा ना तो जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विथ दिस गिवन सरफेस एरिया उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बार मैग्नेट को दूर लेकर के चले जाऊंगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ में एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी सर डिक्रीज। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, ठीक है सर। तो व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्या मैटर क्या है यहां पे कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंजेस, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल चेंजेस, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल चेंजेस, देन एन EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज
इंड्यूस्ड, इसको आप बेसिकली वोल्टेज लेके चलते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलते हैं, एक ही बात है, ठीक। तो यहां पे क्या होता है कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा, दैट्स टू गुड, आ गया समझ में पक्का, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो करंट जो है वहां पे इंड्यूस होगा, और हम लोग इसके जो लॉज थे, इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सब के सब देख चुके हैं, ठीक है। इस टॉपिक के जो लॉज हैं, जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, वो हम सारे के सारी चीजें जो है वो देख के रख चुके हैं। अब उन्हीं में से एक बहुत ही शानदार सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आपके सामने लेकर के चलने वाला हूँ, जरा गौर करना, जबरदस्त चीज है सर, एक तरफा चीज है, ठीक है। एक क्वाइल अपने पास, देखना भाई इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या हुई थी, इंटरेस्टिंग चीज सर यहाँ पे ये हुई थी कि जैसे मेरे पास मान ले एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल है, ये मान लेते हैं इसका साउथ पोल है। अब क्या हुआ ना, हुआ ये कि जैसे हम इसको पास में लेकर के आ रहे थे, ठीक है, जैसे हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेकर के आ रहे थे, तो इसके अंदर स्वयं एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया, इसके अंदर स्वयं एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया, और जब नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ ना तो करंट यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसका दूसरा सिनेरियो देखते हुए चलना, ठीक है। इसका दूसरा सिनेरियो क्या है भाई, इसका सेकंड सिनेरियो ऐसा था कि अपने पास वही सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस दफा, इस बार जो अपने पास नॉर्थ पोल है ना, इसको अपन दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस बार नॉर्थ पोल को अपन दूर लेके जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ था कि साउथ पोल इंड्यूस हो गया था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था सर, यहां पर हुआ यह था कि साउथ पोल इंड्यूस हो गया था, और साउथ पोल के इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज करंट का होना, ठीक है। साउथ पोल के इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है सर, क्लॉकवाइज करंट का होना, ठीक है। तो भाई देख क्या एकदम मैजिकल मोमेंट रहा होगा यार, जब मैग्नेट को मूव करवा कर, जब मैग्नेट को मूव करवा करके ना किसी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो गया होगा, क्या शानदार मोमेंट रहा होगा। एक और एग्जांपल देखो मैं देता हूं यहां पे, दो मिनट जरा ध्यान देते हुए चलना, सेपरेशन दिया बस मैंने, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि अपने पास वही सेम कॉइल है, लेकिन इस बार अपन जो पूरा गेम खेलेंगे वो साउथ पोल के साथ में खेलेंगे, ठीक है। अपन जो इस बार पूरा गेम खेलेंगे वो सर अपन खेलेंगे साउथ पोल के साथ में, तो ये रहेगा साउथ पोल, ये रहेगा नॉर्थ पोल। और हाँ जी, अब एक और सीन दिखा रहा हूँ तुम लोग को मैं, इस वाले में भी अपन जो पूरा गेम खेलेंगे वो साउथ पोल के रिस्पेक्ट में ही खेलेंगे सर, ठीक है। ये साउथ है, ये वाला नॉर्थ है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना अच्छे से, क्या होगा जब अपन साउथ पोल को पास में लेकर के आते हैं, ठीक है। जब साउथ पोल को पास में लेकर के हम आएंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा देखा गया था कि भाई जब साउथ पोल को पास लेके आए तो यहाँ पे भी साउथ पोल ही इंड्यूस हो गया था, ठीक है। और अगर यहाँ पर साउथ पोल इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब बेसिकली जो करंट है, दिस इज बेसिकली आ क्लॉक वाइज करंट, बोलो हाँ कि ना भाई, ये अपन देख चुके हैं पहले से, बोले हाँ कि ना, क्लियर है। अब इसका केस देख अगला वाला, अगर ऐसा होता है कि मैं साउथ पोल को दूर लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे ना एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया था, ठीक है। यहां पर सर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया था, और एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है नॉर्थ पोल का इंडक्शन हो जाना, क्या तुम्हें समझ में आई ये वाली पूरी बात, ठीक है। अब देखो होता क्या था ना, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले से भी, मैंने कहा था कि इसको आप याद कैसे करेंगे कि भाई जब नॉर्थ को पास लेके आए तो कौन इंड्यूस होगा, जब नॉर्थ को दूर लेके गए तो कौन इंड्यूस होगा, इन चीजों को याद कैसे किया जाएगा। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक फंडा बना के रखा था, याद है क्या तुम लोग को मैंने क्या एक वन लाइनर मारा था इस बात पे, भाई यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे कौन सा पोल इंड्यूस होता है, उस पोल को याद करने के लिए मैंने कौन सा फंडा मारा था सर, वो वन लाइनर ये था कि ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, याद आया कुछ, ना पास आने देगी, पूरा क्लियर कर रहा हूँ, रुक जा। जिन लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देख करके रखा है उनको पता है पूरा अच्छे से, जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता रहा हूँ कैसे याद करना है इसको, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, इसका मतलब क्या है देखो, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल था, ठीक है, एक बार लिख दूँ मैं इसको, ना दूर जाने देगी, न दूर जाने देगी, न पास आने देगी न दूर जाने देगी। अब देखो भाई इसका पूरा मसला क्या है, पूरा फंडा क्या है, देखो जब नॉर्थ वाला पास आ रहा है, ठीक है, जब नॉर्थ वाला पास आ रहा है तो सही से ये नॉर्थ वाले को पास नहीं आने दे रही है, ठीक है, ना पास आने देगी, ठीक है, तो नॉर्थ वाले को पास नहीं आने देगी, तो नॉर्थ को आप रिपेल करवाओगे, तो जब नॉर्थ को रिपेल करेगी तो खुद कैसा बनना पड़ेगा इसको नॉर्थ, बिकॉज नॉर्थ नॉर्थ में होता है रिपल्शन, और जब नॉर्थ पोल बन गया तो यहाँ पे कैसा आ गया सर, एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है, तो ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, तो
तो जब नॉर्थ ने बोला कि चल ठीक है भैया यहाँ तो कुछ काम बन नहीं रहा अपना तो अपन निकलते हैं, जब नॉर्थ यहाँ से निकलने लगा तो दूर भी नहीं जाने दे रही, ठीक है, दूर जाते हुए नॉर्थ को उसने रोक लिया, तो ना पास आने दे रही है ना दूर जाने दे रही है। जब पास आने से रोकना था तो रिपल कर दो उसको, और जब दूर जाने से रोकना है तो उसको अट्रैक्ट कर लो। तो नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट कौन करेगा, साउथ, तो यहाँ पे साउथ इंड्यूस करवा लेती है, और साउथ इंड्यूस करवाने का मतलब होता है क्लॉकवाइज करेंट। सेम फंडा यहां पर भी जाता है, देखो जब साउथ वाला पास आ रहा है तो ना पास आने देगी, इसका मतलब क्या, जब साउथ वाला पास आ रहा है तो उसको पास आने से रोकेगी। अब पास आने से कैसे रोका जाएगा भाई, साउथ को अगर रोकना है तो खुद में साउथ इंड्यूस कर लो ताकि साउथ और साउथ में क्या हो जाए, रिपल्शन। तो यहां पे अपन ने साउथ इंड्यूस कर लिया, लो हो गया रिपल्शन। वही मैंने कहा था कि भैया ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, जब साउथ वाला दूर जा रहा है कि चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मतलब अगर पास नहीं आना है तो हम दूर निकल लेते हैं, तो जब दूर लगा तो भाई दूर भी नहीं जाने दे रही है, ठीक है। जब साउथ वाला दूर जाने का ट्राई कर रहा है तो दूर भी नहीं जाने दे रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है नॉर्थ इंड्यूस करके। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो पोलैरिटी यहां पे इंड्यूस हो रही है ना, ठीक है, ये कोई बचपन से नॉर्थ नहीं था, ठीक है, ये तो जब मैं मैग्नेट को मूव करवाया तो फ्लक्स चेंज हुआ, और जब फ्लक्स चेंज हुआ ना, जब ये फ्लक्स चेंज हुआ ना, तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये इंड्यूस करंट की पोलैरिटी कैसी होती है, तो ये अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी ना, तो आप बस देखोगे कि अच्छा जब नॉर्थ पोल को पास लाए तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। लेकिन भैया आप जरा समझें इस चीज को, याद इंसान कैसे करेगा, तो याद करने के लिए कोई ऐसे वाले फंडे चाहिए होते हैं, ठीक है, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ये सब तो ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं, लेकिन इसको अपन याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए था ना। अब मैं तुमको बोलूं कि भाई ये चार केस रट लो, तुम कैसे रट पाओगे उसको कि सर नॉर्थ वाला पास आएगा तो नॉर्थ कैसे बना दें, तो उसका मैंने क्या बताया कि भाई ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, तो उसने नॉर्थ को पास आने से रोका तो रिपेल करा, रिपेल कैसे करेगा, नॉर्थ पोल इंड्यूस करके, आया समझ। अब मेरी बात सुनना, तो ये ना एक तरह का अपोजिंग बिहेवियर है, ठीक है, जब नॉर्थ वाला पास आ रहा है तो पास भी नहीं आने दे रही है, तो ये जो इंड्यूस पोलैरिटी है ना, जो इंड्यूस पोलैरिटी है ना, आप कह सकते हो कि पोलैरिटी ऐसी इंड्यूस हो जाती है जो कि मैग्नेट के मोशन को अपोज करती है। क्या ये वाली बात सटीक बैठी आपके दिमाग में? मैंने क्या बोला कि कॉइल में, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि कॉइल में जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है वो दरअसल कुछ ऐसे नेचर के इंड्यूस होती है जो कि मैग्नेट के ही मोशन को अपोज करने के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे मैग्नेट आगे बढ़ रहा था लेकिन इसने नॉर्थ इंड्यूस करवा करके इसको रिपल्शन दिया, तो उसके आगे बढ़ने का मोशन जो है वो अपोज हो गया ना, ठीक है। अब जब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो वहां पे साउथ बना करके ये खींचने लगी, तो क्या हो जाएगा, इसका दूर जाने का मोशन अपोज हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है वो कुछ ऐसे नेचर की है कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान देना मेरी बात को, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस, इज सच दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट, सच दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है। क्या ये बात पूरी क्लियर है? यस, ये बात पूरी क्लियर है, मैग्नेट के मोशन को अपोज करती है, इस तरह की पोलैरिटी यहाँ पे इंड्यूस होती है। लेकिन आपको ना इससे भी शानदार स्टेटमेंट देखने को मिलता है, वो स्टेटमेंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। जरा गौर करना, जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा था तो बेसिकली हुआ क्या, जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा था तो कॉइल के साथ में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उस फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, एब्सोल्युटली बढ़ रही होगी, मतलब देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, ठीक है। जैसे मैं मैग्नेट को पास लेके जा रहा था तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, तो देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, और यहाँ पे पोलैरिटी ऐसी इंड्यूस हो गई। देखो, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होता तो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, कभी भी करंट नहीं आता है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में फैराडेज़ लॉ के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, जैसे मैं मैग्नेट को पास लेके जाने लगा तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई जो इसके साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई तो इंड्यूस हुआ करंट, लेकिन करंट ऐसा इंड्यूस हुआ जो कि मैग्नेट के मोशन को अपोज करने लगा, और जब मैग्नेट का मोशन अपोज हो जाएगा मतलब ये इतने आराम से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर जितने अच्छे से फ्लक्स पहले चेंज हो रहा था जो इसके साथ में एसोसिएटेड है, अब उतने अच्छे से फ्लक्स का चेंज नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं
कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि जो पोलैरिटी इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होती है, क्या बोला मैंने, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि जो पोलैरिटी इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होती है वो दरअसल मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज करती है। किसको अपोज करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज करती है। एक और एग्जांपल ले, नॉर्थ पोल को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई साहब फ्लक्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होना शुरू हो गई, ठीक है। जब मैं नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जा रहा हूँ तो जो फ्लक्स की वैल्यू है, जो इसके साथ में एसोसिएटेड फ्लक्स है, उसकी वैल्यू फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और जब फ्लक्स की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो गई तो देखिए यहाँ पे जो साउथ पोल आया ना वो दरअसल नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब नॉर्थ को जाने नहीं दे रहा, अपोज कर रहा है उसके दूर जाने का मोशन। अब अगर ये आराम से दूर चले जाता तो फ्लक्स जल्दी रिड्यूस हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसके दूर जाने का मोशन जो है ना वो अच्छे से हो नहीं पाया, बिकॉज यहां पे साउथ आ गया, वो खींचने लगा उसको, ठीक है। तो अब यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो फिर यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे होता है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। आया समझ कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया? तो मैं लिख देता हूं कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उसका नेचर कैसा है? पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट वो अपोज करता है एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इट अपोजेस एनी चेंज, वो ऐसा है कि वो अपोज करता है एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इट अपोजेस एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, अगर क्लियर है तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर सर, ठीक है। वो अपने पास क्लासी स्टेटमेंट है, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है, ध्यान रखना बात पे। अच्छा, अब पूरी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब उसी के बेसिस पे यहां पे सारी बातें जो हैं वो करी गई हैं, जरा गौर करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब लेंज लॉ, जो डायरेक्शन होती है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ की, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो दरअसल ऐसा होता है सच दैट वो अपोज करता है द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है, वो अपोज करता है द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये मैग्नेट का मोशन जो था ना, मैग्नेट का मोशन अगर नहीं होता तो फ्लक्स चेंज नहीं होता। सुनना मेरी बात को, बहुत जबरदस्त चीज है भाई, बहुत शानदार चीज है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जैसा चेन ऑफ थॉट्स की रिक्वायरमेंट इस ईएमआई चैप्टर के अंदर है ना, वैसे चेन ऑफ थॉट्स की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं होती है, ठीक है, सुनते हुए चलना मेरी बात। तो यहां पे क्या हुआ, अगर ये मैग्नेट मूव नहीं करता तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती तो करंट इंड्यूस नहीं होता, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस जो हुआ है उसका जो बेसिक कॉज बन करके निकला वो दरअसल क्या निकला, मोशन ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ मूविंग मैग्नेट, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ मूविंग मैग्नेट, ये भी क्या है तेरे पास में, मूविंग मैग्नेट, ठीक है। अगर ये मैग्नेट्स मूव नहीं करते, ठीक है, अगर ये जो मैग्नेट्स हैं अगर ये मूव नहीं करते तो क्या कभी करंट इंड्यूस होता? नहीं होता सर, क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेट मूव नहीं करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ इंड्यूस वैसे भी नहीं होता, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाली बात तो दिमाग में एकदम शानदार तरह से बैठ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है, तो ये जो पोलैरिटी यहाँ पे इंड्यूस हुई है ना वो दरअसल मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रही है, मतलब खुद के प्रोडक्शन के कॉज को अपोज कर रही है। यहां पे नॉर्थ पोल क्यों आ पाया? क्योंकि ये मैग्नेट मूव कर रहा था, लेकिन नॉर्थ पोल आया तो ऐसा आया कि उसने मैग्नेट के मोशन को अपोज कर दिया। यहां पे साउथ पोल क्यों आया? क्योंकि ये मैग्नेट दूर मूव कर रहा था, लेकिन साउथ पोल आया तो ऐसा आया कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करने लगा। तो इसमें मतलब मसला वही है कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया? तो भाई साहब इस बात को जरा ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो वही लिखा हुआ है, व्हिच मींस, अरे रे रे रे, ये तो हल्दी मेहंदी हो गई, व्हिच मींस दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैंने पहले भी कहा था कि ये अपोज करता है एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे मान ले ये वाला फॉर्मूला डेवलप हुआ तो हुआ कैसे, तो हम लोग एक बात देख चुके हैं सर, अकॉर्डिंग टू फैराडेज दो लॉज थे, पहले वाले में तो पूरा सिर्फ स्टेटमेंट था
और यहाँ पे सेकेंड लॉ के अंदर जो है ना उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ये कहा जाता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दिस इज डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और माइनस साइन बस इसलिए लगाया जाता है इन अकॉर्डिंग्स विद द लेंस लॉ. ठीक है, लेंस लॉ में क्या कहा गया था कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो दरअसल ऐसी है कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करती है. ठीक है, तो उस अपोजिंग बिहेवियर को शो करने के लिए एक साइन यहाँ पर माइनस का यूज किया गया है. ठीक है, तो अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं, इफ आई एम कंसर्न्ड ओनली विद द वैल्यू, ओनली विद द मैग्नीट्यूड, नो साइन कन्वेंशन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू माइनस नहीं रहेगा फिर. ठीक है, माइनस तो बस वो डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस यही सब शो करता है. ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सर मॉड्यूलस ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी. नाउ अब जरा एक बहुत ही खूबसूरत सी बात पे आप गौर करेंगे, यार करंट का फॉर्मूला क्या होता है. सर करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जैसे मान लिया अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. ठीक है, अच्छा ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया. अब एक फॉर्मूला ये है एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी. ठीक है, n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स. अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर ये वाला फॉर्मूला बन जाता है. ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर. तो यहाँ पे अपन कर देंगे 1 बाई आर, और उसके बाद e का मतलब यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, n टाइम्स, फिर अपने पास में आ जाएगा सर डी फाई बाई डी टी. ठीक है, n टाइम्स फिर अपने पास में क्या आ जाएगा सर डी फाई बाई डी टी. क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है. तो i goes to 1 by r n times d phi by dt, this is going to be the formula. ये formula यहाँ पर भी जबरदस्त तरह से लिखा हुआ था. ठीक है, ये formula यहाँ पर भी जबरदस्त तरह से लिखा हुआ था. ठीक है, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं. जल्दी करेगा प्लीज, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन. हो गया हो गया हो गया हो गया, यस सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे आता है, इफ इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन अ क्वाइल रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन उस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला कैसे उभर करके आएगा. अब मैं आपको जरा बताता हूँ इसका प्रॉपर डेरिवेशन. ठीक है, ये अपना पूरा फंडा क्लियर हो चुका है. यस सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है. अब तुम जरा देखना इसका प्रॉपर डेरिवेशन. पहले तुम क्या इस बात को जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यस सर बिल्कुल जानते हैं. तो अगर इसी को देखा जाए तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा सर ओमेगा इन टू टी. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में क्या, ओमेगा इनटू टी के बराबर आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब जरा फोकस करते हुए चलना. सब लोग जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो होता है सर वो होता है बी ए कॉस थीटा. ठीक है, यस सर फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा. तो फ्लक्स अपने पास में आ जाएगा बी ए और कॉस, उसके बाद थीटा की जगह पे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, ओमेगा इनटू टी आ जाएगा. ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ही खूबसूरत सी बात को कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाला जाता है सर, ये तो निकलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर देखा जाए तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो निकलता है अपने पास में कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से निकलता है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स वो भी माइनस डी फाई बाई डी टी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है. ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फाई की जगह पे अपन क्या लिख देंगे सर, बी ए कॉज ओमेगा टी. फाई की जगह पे अपन लिख देंगे सर बी ए कॉज ओमेगा टी. तो इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी ए, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज ओमेगा टी. ठीक है सर, कॉज ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी. उसके बाद चेन रूल तो अप्लाई कर ही देंगे, बेफिक्र रहना उस बात को लेकर के. तो अपने पास अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने पास में क्या आएगा, माइनस का बी ए तो था ही, उसके बाद कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज बेसिकली माइनस का साइन ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन ओमेगा टी. उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे लपेटे में डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस हो चुका है सर प्लस, तो ये आ जाएगा बी ए, उसके बाद क्या आ जाएगा सर साइन ओमेगा टी बी ए, फिर आ जाएगा साइन ओमेगा टी. और डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी करूंगा ना तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, और सर ओमेगा बाहर आ जाएगा तो यहां बचेगा डी टी ओवर डी टी, कोई दिक्कत नहीं है सर. ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक सेकेंड,
इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बचेगा वो अपने पास बचेगा बी ए ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा सर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है जब सिर्फ एक ही टर्न की बात की जाए, लेकिन अगर अपने पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो कुछ नहीं करना है, बस इस वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देना है एन से। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ चुका है। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स तो कहानी में क्या होगा, जरा ध्यान देना। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो क्या होगा, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर गौर किया जाए, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर गौर किया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n a b ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और अगर कोई करंट आपसे जानना चाहता है तो देयरफॉर अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो करंट क्या होता है सर, करंट होता है v अपॉन r, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा अपॉन r इनटू क्या हो जाएगा सर, साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या आपके दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? सर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर होगा, मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे लेके चलते हैं। हो गया क्लियर? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर सर, ठीक है। तो अब ये जो एन ए बी ओमेगा अपॉन आर है ना, इस एन ए बी ओमेगा अपॉन आर को आई नॉट की जगह दी जाती है और जिसे कहा जाता है पीक करंट, और जैसे इसको पीक करंट मान लेंगे तो एन ए बी ओमेगा बाई आर हो चुका है पीक करंट, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास में कंप्लीट इसका इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो जल्दी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मेन स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट दिलवाता हूं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, ये नोट कर लिया। और अब इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करना प्लीज। चलिए भाई, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया आप लोग को? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद लेंज लॉ का सबसे शानदार डायग्राम जो है ना वो आप जरा देख सकते हैं। मैंने आपको बता के रखा है इसके पहले लेक्चर्स के अंदर भी कि जैसे ही आप मैग्नेट को पास लेकर के आएंगे तो मैग्नेट का फ्लक्स जो है ना वो चेंज होगा, और जब किसी कॉइल के साथ में लिंक्ड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपनी वैल्यू अगर चेंज करता है तो वहां पे उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जिसके वजह से रिजल्ट करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। सबसे मजेदार चीज क्या होती है, उस करंट की डायरेक्शन को पता करना, ठीक है। अब जरा गौर करना, जब ये नॉर्थ वाली पास आ रही तो मैंने क्या सिखा के रखा है तुम लोग को, भाई तुम लोग को याद है कि नहीं, मैंने क्या सिखा के रखा है कि ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ना पास आने देगी, ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को निकालने का तरीका, ठीक है। ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। अब सर इसका पूरा अल्टीमेट फंडा क्या होता है जरा गौर करते हुए चलना। जैसे मान लीजिए जब नॉर्थ वाला पास आ रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ वाले को पास आने से रोकना है, ठीक है। अब नॉर्थ वाले को पास आने से कैसे रोका जा सकता है, जब आप इसको रिपेल कर दें, तो ये नॉर्थ को रिपेल करने के लिए यहां पे कौन सी पोलैरिटी का इंड्यूस होना बहुत जरूरी है सर, स्वयं नॉर्थ पोल का इंड्यूस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे नॉर्थ पोल को इंड्यूस करवा दिया, तो मतलब बेसिकली क्या होगा देखना, यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होता है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आता है, ठीक है। नहीं तो वैसे ऑब्जर्वेशन वाइज क्या आता कि जब नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे थे तो दूर लेके गए तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो गया, और जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा तो चेंज तो हो रहा है ना फ्लक्स, और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बोलो हां कि ना, ठीक है। लेकिन मजेदार चीज क्या है कि देखो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, और वो करंट था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट बेसिकली क्या बताता है, क्लॉकवाइज करंट आपको दरअसल ये बताता है कि यहाँ पे साउथ पोल जैसी पोलैरिटी का इंडक्शन हो रहा है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ये होता है इसका पूरा अल्टीमेट मैटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, इसके जो पॉसिबल चार केसेस बनते थे मैं आपको चारों केसेस करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसके जो पॉसिबल चार केसेस बनते थे मैं वो चारों केसेस आपको करके दिखा रहा हूँ। सेपरेशन दे दूँ मैं पहले यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। जो चार केसेस बनते हैं वो चारों केसेस, सर क्या बनेंगे वो चार केसेस, एक बार नॉर्थ पोल पास आएगा, एक बार नॉर्थ पोल दूर जाएगा, एक बार साउथ पोल पास आएगा, फिर एक बार साउथ पोल दूर जाएगा। आया समझ के नहीं आया? तो ये है अपने पास एक, इसको अपन पास लाएंगे, इसमें अपन इसको
दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसमें साउथ पोल वाले को पास लेकर के आएंगे और इसमें साउथ पोल वाले को दूर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, बिल्कुल शानदार तरह से भाई। ये एक बार नॉर्थ पोल वाला पास आएगा, ठीक है, और फिर अगली बार क्या होगा, नॉर्थ पोल वाला जो है ना वो दूर चले आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, एक बार साउथ पोल वाला जो है ना वो पास आएगा, और एक बार क्या होगा सर, जो साउथ पोल वाला है ना सर वो दूर चला जाएगा, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? सुप्रीम लिख ले रहे, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, बहुत ही शानदार तरह से। जब नॉर्थ पोल वाले को पास लाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल वाले को अपन दूर लेकर के जाएंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे सर, यहाँ साउथ पोल वाले को पास लेके आएंगे, यहाँ पे साउथ पोल वाले को अपन दूर लेकर के जाएंगे, ठीक है। आप जरा गौर करते हो चलना बेहतरीन तरह से। देखो भाई क्या होता है ना कि जब आप नॉर्थ पोल को पास लेके आते हो ना, तो फिर यहाँ पे दरअसल ऐसा होता है कि यहाँ पे ना जो करंट इंड्यूस होता है वो दरअसल ऐसे नेचर का होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको अपन याद कैसे करेंगे, तो मैंने वही कहा था, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, इस बात को याद रख लो। क्या बोला मैंने, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। जब ये नॉर्थ वाला पास आ रहा है तो इसको पास नहीं आने देगी, तो नॉर्थ वाले को पास आने से कैसे रोकेगी, जब यहां पे खुद नॉर्थ इंड्यूस कर लेगी, ठीक है। आया समझ, जब खुद यहां पे नॉर्थ इंड्यूस कर लिया मतलब एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है। नॉर्थ वाला दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगी, अट्रैक्ट कर लेगी। कैसे करेगी अट्रैक्ट सर, साउथ पोल को इंड्यूस करवा के, ठीक है। चलो भैया, अब जब साउथ वाला पास आ रहा है उसको साउथ में मतलब साउथ वाले को पास नहीं आने देगी तो उसको रिपेल कर देगी, और जब साउथ वाला दूर जा रहा है तो उसको दूर नहीं जाने देगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। ये वाला तुम लोग को फंडा समझ में आ गया क्या? यस सर, बेहतरीन तरह से आ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या था, यहां पे था सर अपने पास एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट है। यहां पे है अपने पास सर क्लॉकवाइज करंट, ये भी इंड्यूस करंट है। उसके बाद यहां पर भी अपने पास में क्लॉकवाइज करंट है, ये भी इंड्यूस करंट है, और यहाँ पे सर अपने पास में कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो ये भी इंड्यूस करंट है। तो ये जो जैसे आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो ना, तो बेसिकली फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये सब पोलैरिटी जो है ईएमएफ इंड्यूस की, वो दरअसल मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जब ये नॉर्थ वाला पास आ रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैग्नेट पास आ रहा है लेकिन मैग्नेट को उसने अपोज करना शुरू कर दिया। तो जब मैग्नेट पास आता है ना तो फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। तो जब ये यहाँ पे जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, अगर वो मैग्नेट को रोक रही है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले चेंज को भी रोक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब ये मैग्नेट पास रहा था तो फ्लक्स वॉज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीजेस, ठीक है। जब ये दूर जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, फ्लक्स डिक्रीजेस, ठीक है। पास आने से फ्लक्स इंक्रीज होता है, पास आने से क्या कहा मैंने, पास आने से जो फ्लक्स होता है वो इंक्रीज होता है, और दूर जाने से क्या होता है सर, फ्लक्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो जो पोलैरिटी है ना यहां पे इंड्यूस ईएमएफ की, वो ऐसी होती है कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करती है, या फिर आप उसको ऐसे बोल लीजिए कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, ठीक है। ये खूबसूरत सी बात आपके दिमाग में शानदार तरह से बैठ गई है क्या? यस सर, ये वाली बात दिमाग में अच्छे से बैठ गई है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है। चलें, अब जरा ध्यान देना, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना ये सिर्फ कॉइल्स में ही नजर आती है आपको, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होती है ना कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉइल्स में ही नजर आती है। तो यहां पर ना मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज सिखाता हूं। देखो, ये बना दिया मैंने सोलेनोइड, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, सोलेनोइड। और सबसे मस्त बात क्या होती है कि आप इसको ना सर्किट वाइज, इसको आप कहते हो इंडक्टर, ठीक है। सर्किट वाइज क्या कहते हैं आप इसको, इसको आप कहते हैं इंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग ना पढ़ चुके थे क्या, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रेजिस्टर, ठीक है। दिखने में ऐसा था, इसको अपन कहते थे कि ये जो डिवाइस है, ये जो मटेरियल है, इस डिवाइस को बेसिकली कहते हैं रेजिस्टर, ठीक है। और उसके भी पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सर, उसके भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं समथिंग लाइक दिस, इसकी कैपेसिटी होती है, इसे कहा जाता है कैपेसिटर, बोले हाँ कि ना। तो कैपेसिटर इज द डिवाइस, और इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, दैट इज कैपेसिटेंस। तो वैसे ही रेजिस्टर इज द डिवाइस, इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। और दिस इंडक्टर इज द डिवाइस, इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसे कहा जाता है इंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको अपन, इंडक्टेंस कहते हैं सर, ठीक है। अब जरा उल्टे में इसको समझना शुरू करना, ठीक है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम ये होता है कि सर दिस स्टोर चार्जेस, ठीक है, कैपेसिटर स्टोर द चार्जेस, बोलो हाँ कि ना, ठीक है सर। उसके बाद रेजिस्टर का बेसिकली काम क्या होता है, इट अपोजेस द करंट, ठीक है, इट अपोजेस द करंट,
रेजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है कि रेजिस्टर इज बेसिकली अपोजिंग द करंट, ठीक है। लेकिन जब आप इंडक्टर की बात करेंगे ना, तो इंडक्टर में सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है कि इंडक्टर स्ट्रेट अवे करंट को अपोज नहीं करता, ठीक है। स्ट्रेट अवे करंट को अपोज करने वाला काम जो होता है वो होता है रेजिस्टर का। लेकिन जहां तक आप बात करेंगे इंडक्टर की, तो इंडक्टर स्ट्रेट अवे करंट को अपोज नहीं करता है, इंडक्टर अपोज करता है एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैंने अब तक क्या सिखाया, एक कॉइल में क्या हुआ था भाई, एक कॉइल में क्या हुआ था, कॉइल में यह हुआ था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो बढ़ने नहीं दिया, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स को घटने भी नहीं दिया। वही तो हुआ था ना वहां पर इंडक्टर में, कॉइल में, ठीक है। तो यही वाला इसको बोलते हैं अपन क्या, इंडक्टर। तो यह इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपोजेस, मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक बात है, रेजिस्टर से इसे कंफ्यूज मत कर लेना। रेजिस्टर अपोज करता है करंट को, लेकिन इंडक्टर अपोज करता है एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एनी चेंज इन द करंट, ठीक है। इंडक्टर अपोज करता है एनी चेंज इन द करंट या एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है। करंट में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है इंडक्टर, करंट में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है इंडक्टर। ये खूबसूरत सी बात क्या आपके दिमाग में शानदार तरह से बैठ गई है? यस सर, ये वाली बात अपने दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गई है। पक्का पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है, शानदार। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले आगे बढ़े इसमें अब। यस सर, तो यहां पे मैंने जो चीज सिखाई थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डायग्राम चाहो तो बना लो, नहीं तो जो मैंने बना के रखा था उसको बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही चलेंगे। आपको ये समझाने के लिए दोनों डायग्राम्स बनाए गए थे, दोनों ही चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब उसके बाद जरा देखा जाए। हाँ ओके, अब आते हैं लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैंने ना अभी आपको बताया था कि हाँ यार, यहाँ पे जो करंट है ना उसको अपोजिशन मिलता है। देखो, स्ट्रेट अवे करंट को अपोज करना, ये काम किसका होता है, इंडक्टर, ये काम किसका होता है, रजिस्टर का, ठीक है। रजिस्टर जो है उसका मतलब नहीं है कि करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, रजिस्टर अगर आ गया है तो वो करंट को अपोज करेगा, करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इंडक्टर आ गया है तो वहां पे होता है मसला, इंडक्टर जो होता है ना वो सीधे करंट को अपोज नहीं करता है, ठीक है, वो कभी भी करंट को अपोज नहीं करता है, वो अपोज करता है चेंज इन द करंट को, ठीक है, वो अपोज करता है चेंज इन द करंट को। इस बात को दिमाग में डाल लेना अच्छे से, ठीक है। अब अगर इंडक्टर लगा के रखा है तुमने तो वो करंट में आने वाले चेंज को अपोज करेगा, तो अगर करंट बढ़ने का ट्राई कर रहा होगा तो इंडक्टर जो है ना वो करंट को सही से नहीं बढ़ने देगा। बिकॉज खासियत क्या होती है इंडक्टर की, कि इंडक्टर अपोज करता है एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है। अगर एक इंडक्टर है उसमें से करंट बढ़ने का ट्राई कर रहा है, करंट सर्किट में से पास कर रहा है, उसमें लगा हुआ इंडक्टर और करंट बढ़ने का ट्राई कर रहा है, तो भाई मजाल है, जो इंडक्टर करंट को आराम से बढ़ने देगा ना, इंडक्टर जो है वो करंट में आने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो करंट बढ़ तो जरूर जाएगा, लेकिन अब इस दफा करंट को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, बिकॉज इंडक्टर जल्दी करंट में चेंज को आने देता नहीं है, ठीक है। तो जब करंट बढ़ने का ट्राई कर रहा है तो इंडक्टर लगा पड़ा है उसको अपोज करने के लिए, तो करंट बढ़ तो जाएगा लेकिन समय लग जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। करंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो भी लगा हुआ इंडक्टर, ठीक है। तो अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है और वहां पे करंट अगर रिड्यूस होने का ट्राई कर रहा है तो इंडक्टर उसको जल्दी रिड्यूस होने भी नहीं देगा, करंट को कम होने में भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। करंट को मैक्स वैल्यू से जीरो वैल्यू तक पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मेरा है, तुम जरा समझते हुए चलना। ये ले रहा हूं मैं स्ट्रेट वायर और ये ले रहा हूं मैं इंडक्टर, ठीक है। ये लिया मैंने स्ट्रेट वायर और ये वाला लिया मैंने इंडक्टर, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये वाला लिया मैंने इंडक्टर। अब क्या है, जैसे मान ले ये स्विच था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी चल मैंने क्या लगा दिया सर, एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुन रहा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। स्विच को जस्ट ऑन करें हैं, एरो समझ में आ रहा है? यस सर, स्विच को अभी अपन ने जस्ट ऑन करा है, ठीक है। तो जस्ट ऑन करने से क्या होता है ना, मेरी बात सुनना, जब अपन चेक करेंगे तो मान ले एट टाइम इक्वल टू जीरो, यहाँ पर करंट भी कितना था, जीरो। तो जब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी जब टाइम इक्वल टू जीरो था तो यहां पर भी करंट कितना रहा होगा, जीरो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो अब है, जब समय हो गया है टी के बराबर, मान ले 2 सेकंड के बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर भी जब अपन ने टाइम दे दिया इसको 2 सेकंड, इस सर्किट में भी टाइम दे दिया अपन ने इसको 2 सेकंड, ठीक है। तो मान ले करंट जो है ना, करंट अपनी मैक्स वैल्यू पर पहुंच जाता है,
ठीक है, तो टी सेकेंड्स के बाद जो है करंट अपनी मैक्स वैल्यू को अटेन कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक काम कर, टी सेकेंड्स मत ले, टू सेकेंड्स ले ले, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 सेकेंड में करंट अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच गया, तो करंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि करंट मैक्सिमाइज हो जाए, तो भाई साहब यहाँ पे सर्किट में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस कितना एल के बराबर। सर्किट में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस क्या एल के बराबर। भाई इस टॉपिक के ऊपर तो एक डेडिकेटेड लेक्चर आपको मिलने वाला है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। टॉपिक का नाम होगा सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर आपको ये जो एल यहां पे लिखा हुआ है ना, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं, इसको कहते हैं अपन इंडक्टर। मैंने क्या बोला था, इंडक्टर की खासियत क्या होती है, ये करंट में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करेगा। फिर से बोल देता हूं, इंडक्टर की खासियत क्या होती है कि ये करंट में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। अब देख क्या हुआ भाई, करंट यहां पे तो हो गया मैक्सिमाइज सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर, लेकिन यहां पे करंट को मैक्सिमाइज होने में लग गए मान ले 15 सेकंड्स, ठीक है। तो ये जो लैग आया, ये जो लैग आया, ये लैग किसकी वजह से आया, ये लैग आया इंडक्टर की वजह से, ठीक है। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, ये दिमाग में इस एल को अच्छे से बसा लो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इट इज एज सिंपल एज दैट। चले भाई, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है। तो ये करंट को ना रेट ऑफ ग्रोथ में समय लग जाता है, ठीक है। ये था अपने पास ग्रोथ वाला फंडा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई अब अपन ने स्विच को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में एक नॉर्मल वायर है, ये तुम्हारे पास में एक सेल है, ये तुम्हारे पास में एक स्विच लगा दिया, ठीक है। और अगले वाले सिनेरियो में यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या लगा के रखा है सर, इंडक्टर, ठीक है। ये इंडक्टर है, बहुत सारे कॉइल्स हैं, तो उसका काम क्या होता है, करंट में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करना। काम क्या होता है, करंट में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करना, यहाँ पे इंडक्टेंस है, ठीक है। अब जरा गौर करना, इस बार अपन स्विच को तोड़ रहे हैं, तो जैसे अपन ने स्विच को तोड़ा, यहां से भी अपन ने स्विच को तोड़ दिया, मतलब स्विच को खोल दिया अपन ने, तो करंट यहां पे अब क्या है, रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा इवेंचुअली। तो जैसे आपने स्विच को तोड़ा, तो एट टाइम इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल कंडीशन अगर चेक किया जाए, तो करंट चल रहा है मैक्सिमम, ठीक है। जब आप एट टी इक्वल टू जीरो चेक करोगे, मतलब जब पहली बार आपने देखा किसको, इस सर्किट को, तो उस समय इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा था, सर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई, थम जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, इस वाले सर्किट को देखो पहली बार, टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है सर पहली बार देखना, ठीक है। तो उस समय तक इसमें भी क्या करंट था सर, मैक्सिमम करंट इसके अंदर भी फ्लो कर रहा था। लेकिन मैंने बोला कि भाई कुछ समय के बाद तो मैंने स्विच को तोड़ दिया, मैंने मान ले 2 सेकंड के बाद, या एक काम करना, मैंने टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो भाई यहां पे 2 सेकंड लगेगा और करंट हो जाएगा जीरो, यहां पे 2 सेकंड लगेगा और करंट जो है वो हो जाएगा मान ले जीरो। लेकिन अगर आप यहां पे चेक करोगे, तो भाई यहां पे कम से कम, मतलब मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, यहां मान ले 15 सेकंड लग गए भाई, 15 सेकंड लग गए तब जाकर के करंट हो पा रहा है 0 एम्पियर। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ करा, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो द स्विच इज डीएक्टिवेटेड, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो द स्विच इज डीएक्टिवेटेड। तो जैसे आपने स्विच को डीएक्टिवेट किया, जैसे ही आपने स्विच को डीएक्टिवेट कर दिया, तो हुआ क्या, स्विच को डीएक्टिवेट करने से करंट जो है वो रिड्यूस हो गया। तो भाई साहब जब अपने पास ये वाला सर्किट है, तो करंट रिड्यूस तो होगा, करंट 0 एम्पियर तो हो जाएगा, लेकिन उसको 2 सेकंड का ही समय लग रहा है। लेकिन जब इंडक्टर की आप बात करोगे ना, तो इसका बेसिक नेचर क्या होता है कि ये करंट में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करेगा। जैसे मैंने स्विच को ऑफ किया, तो करंट रिड्यूस होने लगा और इंडक्टर बैठा बैठा उस रिड्यूस इन करंट को अपोज करेगा, तो ढंग से करंट को रिड्यूस होने देगा नहीं, समय लग जाएगा। तो करंट 0 तो हो जाएगा, लेकिन समय लग जाएगा इसको तकरीबन 15 सेकंड के बराबर का, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में यह वाली बात शानदार तरह से बैठ रही है? यस सर, यह वाली बात दिमाग में आ गई है बहुत ही जबरदस्त तरह से। आगे बढ़ा जाए जिंदगी में, यस सर, आगे बढ़ते हैं, चलें। अब सुनते हुए चलना। देखो भैया, इंडक्टर में से हम जब एसी करंट को पास करवाएंगे, तो एसी की खास बात क्या होती है ना, कि एसी करंट जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। डीसी में क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने कौन सा करंट पढ़ के रखा है सर, अब तक तो हम पढ़ के रखे हैं डीसी करंट। तो डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में होता यह है कि समय के साथ साथ करंट में बदलाव नहीं आते हैं, ठीक है। समय के साथ साथ
करंट में बदलाव नहीं आते हैं, ठीक है। करंट जो है वो बकायदा ऐसा ही बना रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, एसी करंट की, अगर हम बात करते हैं किसकी, एसी करंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है। भाई तुम उसका ग्राफ देखना, ठीक है, कुछ इस तरह ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। और मैं बताऊं इस ग्राफ का नाम क्या होता है, इस ग्राफ को कहा जाता है साइनयूसोडल, ठीक है। तुम इसका नाम याद कर लो बेटा, साइनयूसोडल, इसको सोनू सूद मत बोलना, ठीक है, साइनयूसोडल बोलना इसको, साइनयूसोडल, ठीक है। आया समझ? यस सर, आ गई बात समझ में। साइन वाला और कॉस वाला ग्राफ जो होता है ना, वो ऐसे ही मैच करता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, बेहतरीन। तो ये ग्राफ होता है साइनयूसोडल वेरिएशन, ठीक है। अब एसी में खास बात क्या है कि टाइम के साथ साथ आप देख रहे हैं क्या, इसमें समय के साथ साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, समय के साथ साथ करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट और इसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि भाई देखिए, अगर डीसी करंट है तो करंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, लेकिन अगर एसी करंट है, अगर एसी करंट है तो करंट इज एब्सोल्यूटली गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब तुम्हारे पास ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें किसी भी टाइम इंस्टेंट पर आप वहीं के वहीं करंट की वैल्यू को निकाल करके आ जाए, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे करंट जो है ना वो इंडक्टर में पिछड़ जाता है, कैसे करंट जो है वो इंडक्टर में लैग कर जाता है, ठीक है सर, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है। चलिए अब जरा देखना स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या बता रहा हूं मैं तुमको, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोले तो एसी, ठीक है। चले अब जरा अपन पहले फोकस करते हैं ग्राफ के ऊपर, आ जाओ भाई साहब, ये बनेगा अपने पास में सर ग्राफ, ठीक है, ये बन गया अपने पास में सर ग्राफ। अब जरा गौर करना, जैसे मान ले करंट की अगर बात की जाए तो करंट मान ले ऐसा फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। अब जब करंट ऐसा फ्लो करेगा ना तो ये रहेगा तुम्हारे पास करंट की पीक वैल्यू, ठीक है, करंट की ये रहेगी तुम्हारे पास में पीक वैल्यू, इसको अपन बोल देंगे सर आई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे वाई पर यहाँ पर करंट आता है और यहाँ पर टाइम आता है, तो बेसिकली क्या है ना कि करंट डिपेंड्स ऑन टाइम, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन बन करके आती है, देखो या तो ग्राफ साइन का होगा या तो ग्राफ कॉस का होगा, क्या बोला मैंने, या तो ग्राफ साइन का होगा या तो ग्राफ कॉस का होगा, बिकॉज साइनयूसोडल वेरिएशन ही चलता है, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है सर आई इज इक्वल टू आई नॉट, या तो कॉस या तो साइन, ऊपर साइन वाला ग्राफ बना हुआ है तो साइन ओमेगा टी नामक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन राइटिंग प्रोसेस है। अब तुम बोल सकते हो कि सर ये ओमेगा टी कहां से आ गया, तो जरा गौर करें, ऐसे मान ले फॉर एग्जांपल अगर लीनियर डिस्टेंस है तो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप बेसिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एंगुलर वेलोसिटी से भी अच्छा नाम देके रखा हुआ है, इसको नाम देके रखा हुआ है सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या नाम देके रखा हुआ है सर, इसको हमने नाम देके रखा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या देके रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहीं पर इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत सी बात तुमको बताता हूं मैं, जरा गौर करते हुए चलना। अगर आपको निकालनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भाई देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं कहूं कि फुल टाइम इंटरवल बीत चुका है तो तुम क्या कहोगे सर, अगर आप कहेंगे कि फुल टाइम इंटरवल बीत चुका है, इसका मतलब क्या, एक चक्कर पूरा मार लिया गया है, अगर एक चक्कर पूरा मार लिया गया है इसका मतलब एंगल हो चुका है सर 2 पाई के बराबर, ठीक है भाई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो 1/T जो लिखा है ना, 1/T को फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, तो 2πf हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी सर 2π मतलब रेडियन, और अपॉन टाइम था तो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा भी बहुत ही शानदार तरह से बैठ गया होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें आई का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ, आई नॉट का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ, और ये जो ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, इस ओमेगा टी का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ, मेरी बात सुनना। ये जो आई लिखा हुआ है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, ये जो I लिखा हुआ है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। सर ये इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, अरे भाई मैं बोलता हूं कि 4 सेकंड पे क्या करंट है, तो फिर अपन T की जगह भर देंगे 4 सेकंड, तो मुझे मिल जाएगा कि 4 सेकंड पे क्या करंट है, ठीक है। अब ये जो I नॉट है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, इसको या तो आप पीक करंट कह लीजिए,
या तो आप इसको पीक करंट कह लीजिए, या तो आप इसको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कह लीजिए, या तो आप इसको पीक करंट कह लीजिए, या तो आप इसको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कह लीजिए। और जो ओमेगा टी नामक वस्तु आपको यहां पे नजर आ रही है ना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फेज, और फेज को अपन प्यार से एंगल भी कहते हैं, ठीक है। या तो फेज कह लेना या तो इसको एंगल कह लेना, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज बहुत ही शानदार तरह से बैठ रही है? मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सेम तरह का फंडा आपको पता है, सेम तरह का फंडा अपन ईएमएफ के लिए भी कर सकते हैं, बस वहां पे E = E नॉट sin ओमेगा टी नामक वस्तु आएगी। बोलो हां कि ना? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। चलो चलते हैं, बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसमें अब, ठीक है। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, अब मेरी बात सुनते हुए चलना, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है फैराडेज लॉ, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट जो होता है ना वो लैग कर जाता है बिहाइंड ईएमएफ इन एसी। जब अल्टरनेटिंग करंट का आप सर्किट बना दोगे तो वहां पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब सर ये हुआ तो हुआ कैसे, जरा गौर फरमाएं आप, ठीक है बेटा। बहुत ही शानदार चीजें क्लियर कर रहा हूं, और ये वाला पार्ट आपको एसी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे जिक्र है तो जिक्र है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें आप यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लगा दिया एक एसी का सोर्स, ये सिंबल होता है एसी के सोर्स का, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, अरे डीसी के सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, एसी के सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है। अब जरा गौर करो, ईएमएफ जो होता है ना वो अपन लिखेंगे सर ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, उम्दा, ठीक है। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैराडे का लॉ क्या था। तो फैराडे के लॉ के अनुसार ईएमएफ जो होता है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम एक बात जानते हैं कि ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सुनना मेरी बात को अच्छे से, ठीक है, बहुत ही उम्दा तरह से ध्यान देते हुए चलना। माइनस को मैंने रखा बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर यहाँ तक, ठीक है। देखो ये अपन इसका मॉड्यूलस भी लेके चल सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा मन करे मॉड्यूलस लेके चलो, लेकिन फिर उसको अपन को बाद में तो चेंज करना ही पड़ता है, तो एक काम करो रखो उसको यार। फाई क्या होता है सर, एल आई के बराबर, ठीक है। फाई क्या होता है सर, एल आई के बराबर। अब सर अपन फाई पढ़ चुके हैं, फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स, ठीक है। जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा उतना शानदार करंट वहां पर डेवलप होगा, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। अब जैसे अपन इक्वल टू लगाते हैं तो यहां पर एल टाइम्स आई आ जाएगा, जिसमें एल इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। एल को अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। अब एक काम करो, सुनो मेरी बात, E इज इक्वल्स टू माइनस, एल को रखो बाहर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में सर, डी आई बाई डी टी, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना आ जाएगा सर, E बाई एल, और E अपने पास में क्या है सर, E अपने पास में था सर E नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे आ जाएगा एल, ठीक है। क्या आप लोग को यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो रहा है? ऐसा यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पे ना डी आई निकाल लो, तो डी आई ये माइनस चल रहा है माइनस, ठीक है। तो डी आई मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट बाई एल। मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उसको इंटीग्रेट, साइन ओमेगा टी, डी टी को मैंने पहुंचा दिया ऊपर की तरफ। बोलो हाँ कि ना? यस सर, यहाँ तक का फंडा तो पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, तो डी आई का हो चुका इंटीग्रेशन, जो कि आई आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ई नॉट, उसके बाद साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो नीचे आ जाएगा ओमेगा, और वो होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, ठीक है। क्या होता है सर, ये होता है सर माइनस का कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू माइनस का ई नॉट बाई ओमेगा, अच्छा एल भी तो था, तो ओमेगा एल, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को मैं ये कर सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस थीटा, यस सर कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, ई नॉट बाई ओमेगा, एल को रखो बाहर और माइनस को अंदर फेंक देना, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी, माइनस का हो जाएगा पाई बाई टू। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई नॉट भाई, इस पूरी चीज को, ये बेसिकली कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इस कॉन्स्टेंट को मैं पढ़ाऊंगा इसी के अंदर, ठीक है। तो इस कॉन्स्टेंट को
अपन आई नॉट बोल देंगे, मतलब जगह तो वो खा रहा है पीक करंट की, बिकॉज फंडा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू पीक करंट, उसके बाद में साइन या कॉस का फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे आ गया पीक करंट, फिर आ जाएगा साइन का फंक्शन, तो कितना हो गया सर साइन ओमेगा टी, माइनस का हो गया सर पाई बाई टू। अब आप जरा इस इक्वेशन को देखें और जरा पहली वाली इक्वेशन को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि पहली वाली इक्वेशन में ईएमएफ का जो फेज था वो क्या था सर ओमेगा टी, ठीक है, और करंट का जो फेज आ रहा है वो क्या आ रहा है सर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर में जब एसी लगा दो तो करंट पाई बाई टू से फेज एंगल में लैग कर जाता है, अगर आप ईएमएफ से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। क्या आपके दिमाग में यहां तक का फंडा क्लियर हो गया? यस सर, अपने दिमाग में यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, ओके डन, आगे बढ़ जाए इसमें अब। ओके, तो लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूरी कहानी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ, जब नॉर्थ पोल को अपन मूव करवा रहे थे टुवर्ड्स द कॉइल, व्हेन द नॉर्थ पोल, यहां देख ले, When the north pole of the magnet is moved towards the coil, तो जो अपर फेस था ना कॉइल का, that acquired north polarity, वही वाली बात है ना, पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। Therefore, work has to be done, तो भैया वहां पर repulsion आ गया, तो उस repulsion के कारण हमें कुछ work करना पड़ेगा, तभी जा करके हम magnet को उस coil के close ला पाएंगे। आया समझ की नहीं आ गया? Yes sir, ये वाली बात समझ में आ गई। Similarly, जब north pole of the magnet is moved away, ठीक है, Similarly, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, when the north pole of the magnet is moved away, तो south polarity वहाँ पे develop हो जाती है, जो कि उसको attract करने लगती है, ठीक है, develops on the upper face of the coil, therefore work has to be done, भाई जब ये अपन north pole को बाहर लेकर के जा रहे हैं और coil के अंदर develop हो गया south pole, तो वो करे जा रहा है उसको attract, और हम उस attraction को झेलते हुए भी दूर जा रहे हैं, तो हमें कुछ work तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ work करना पड़ेगा in taking the magnet away from the coil। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है शानदार सा, क्या आपको समझ में आ गया? यस सर, बात तो सही है, ये ऑब्जर्वेशन हमें जबरदस्त तरह से समझ में आ गया, ठीक है सर, ओके डन। अब क्या लिखा गया है, यही मैकेनिकल वर्क जो हमने करा है ना मैग्नेट को मूव करवाने में, यही मैकेनिकल वर्क चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ये इंड्यूस करंट में, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना ये फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, कौन सी वाली मैकेनिकल एनर्जी जो हमने वर्क करा ना मैग्नेट को दूर लेके जाने में, वही वर्क दरअसल मैकेनिकल वर्क जो था वही दरअसल ट्रांसफॉर्म हो गया इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम मैग्नेट को मूव ही नहीं करवाएंगे तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, अगर हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा तो कोई मैकेनिकल एनर्जी है नहीं, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं हो पाएगा, तो यहां पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो कन्वर्सली लेंज लॉ कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो बकायदा फॉलो हो रहा है, जिसके अनुसार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, पक्का क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो यहां पे खत्म होते हुए आपका लेंज लॉ, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरी बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।